औद्योगिक क्षेत्र खमहरिया में स्थित पाइप इम्पैक्स में कार्यरत 11 मजदूरों को निकालने के विरोध में मजदूर एंटक नेता दिलीप वर्मा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे श्रमिकों को कंपनी प्रबंध ने रायपुर पुलिस को बुलाकर बलपूर्वक थाना लाया गया। उसके बाद बलोदा बाजार युवा कांग्रेस में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष गजानंद साहू और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाना पहुंचकर श्रमिकों को तत्काल छोड़ने के लिए उन्होंने कहा भविष्य में निर्दोष श्रमिकों के ऊपर कार्रवाई नहीं करने की बात कही। साथ ही युवा कांग्रेस ने मजदूरों को रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर मजदूरों को नहीं रखते हैं तो इसका विरोध किया जाएगा। और ये हमारी मैकेनिकल की टीम है जिसे नकोड़ा प्लांट में बिना कारण 2 तारीख को कार्य से निकाल दिया गया है और हम शांतिपूर्ण ढंग से गेट में अपनी काम दिलाने की बात की तो आज तक काम ही नहीं दिलाया है और वहाँ न्यूनतम मजदूरी भी 8 घंटे का हेल्पर का हमारा 250 रुपया देता था। अभी हमको एक और जानकारी प्राप्त हुई है कि नाकोड़ा प्लांट प्रबंधक द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा गोरवा गुरवा बाड़ी जिसके तहत गोठान बने हैं उन गोठान की जमीन को भी ये अतिक्रमण नाकोड़ा प्लांट द्वारा किया गया है। अभी हमने इसके बाद हम लोग थाने परिसर के बाद हम SDM साहब के पास जाएंगे। आज यूथ कांग्रेस का बलौदा बाजार का पूरा टीम किल्दा नेवरा में हमारे भाई दिलीप वर्मा के लिए आए हैं। प्लांट जो है नाकोड़ा TMT यहाँ जो खमरिया में जो स्थित है उन्होंने बलपूर्वक 11 लोगों को मजदूरी से हटा दिया है और अपनी मांगों को और कारण पूछने के दौरान उनको यहाँ थाना परिसर में उनके खिलाफ शिकायत करवा के बलपूर्वक यहाँ थाना में ला के सुबेरे से बैठाया गया था।